सो गुड इवनिंग एवरी वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे अडेप्टबिलिटी टेस्ट के ऊपर जो भी एयरमैन एंट्री के लिए कैंडिडेट्स गए थे अब उनका रिटर्न टेस्ट हो गया है एक्सपेक्टेड है कि 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा और फिर ये फेज़ टू के लिए जाएंगे अब फेज़ टू में देर आर वेरियस टेस्ट थ्रू विच यू हैव टू गो थ्रू पहला टेस्ट होगा आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है आपका दैट इज पी सेकेंड इज अडेप्टिलिटी टेस्ट वन एंड अडेप्टिबिलिटी टेस्ट टू सो इन दिस पोर्शन वी विल डिस्कस अबाउट अडेप्टिबिलिटी टेस्ट वन दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट उससे पहले मैं सभी एस्पेरेंट्स को कुछ छोटी छोटी जानकारी एयरमैन सेलेक्शन के बारे में जरूर देना चाहूँगा देखो एयरमैन सेलेक्शन जो बोर्ड है दैट इज सेंट्रल एयरमैन सेलेक्शन बोर्ड ए एस बी इसका गठन हुआ था उन्नीस में यह डायरेक्ट एयर हेडक्वार्टर के एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंडर में काम करते हैं और 1980 में पहली बार सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड को गठित किया गया 1996 में 1996 में इसको फिर शिफ्ट कर दिया गया वहाँ से अभी जहाँ पर है ये नारायणा में 1996 में इसको शिफ्ट किया गया और इसको कमांड करते हैं एक एयर कमोडो रैंक के अधिकारी जिनकी पूरी जवाबदारी होती है पब्लिसिटी से लेकर के राइट फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट आपका वैकेंसीज निकालने से लेकर के फाइनल इनरोलमेंट तक पूरी जवाबदारी जो होती है वो होती है सेंट्रल एयरमैन सेलेक्शन बोर्ड की और इसके अंदर जो बड़ा चेंज लाया गया वो था 2016 में 2016 में क्या हुआ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट टू को इसमें जोड़ दिया गया अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन क्या है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को बनाया गया था उन्नीस में 1958 बाय ब्रूस एंड लर्नर और 1958 से पहले इसकी एक बहुत बड़ी जरूरत जो समझ में आई लोगों को खासकर के आम फोर्सेस को वो थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में यूएस मिलिट्री ने इस टेस्ट को एक ट्रायल बेसिस पर इंडक्ट किया था अपने साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और उसका नतीजा उनको बहुत अच्छा मिला ये एकमात्र टेस्ट था उस समय क्योंकि बाकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट थे उनको कंडक्ट करने के लिए यूएस मिलिट्री के पास उतना समय नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा इसी टेस्ट के ऊपर रिलाई uh, किया और इस टेस्ट के साथ ही उन्होंने ज़्यादा लोगों को uh, सेना में शामिल किया रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे। उसके बाद इसकी ज़रूरतें बढ़ती रहीं खास करके 1990 के बाद 1990 के बाद एस को जो है पूरी तरीके से uh, जो है बाहर की सभी ऑर्गेनाइजेशन्स में राइट right, आजकल तो देखो आईएएस और बाकी सभी जगह भी जो है सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट एसजेटी और जब यह एसआरटी बनाया गया था उन्नीस सौ अट्ठावन में तो इसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं कहा जाता था इसको कहते थे सुपरवाइजरी प्रैक्टिस टेस्ट एसपीटी सुपरवाइजरी प्रैक्टिस टेस्ट और फिर उससे आ गया था सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट बाद में इसको आसान भाषा में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलने लग गए हम लोग अब अगर हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात करें तो देखो दोनों जगह मतलब कमीशन रैंक एयरफोर्स के लिए खास करके कमीशन रैंक और नॉन कमीशन रैंक दोनों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है बाकी जो दोनों सेनाएं हैं आर्मी और नेवी वहां पर सिर्फ कमीशन रैंक के लिए इसकी जरूरत है नॉन कमीशन रैंक के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों एयरफोर्स में एयरफोर्स इकलौती ऐसी आर्म फोर्स है जो इंडिविजुअल वर्क पर ज़्यादा रिलाई करती है क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आपको दिए जाते हैं एज एयरमैन अगर आप एयरमैन की भी बात करें तो जैसे ग्रेड एक्स टेक्निकल ट्रेड वाले जो जा रहे हैं यंगस्टर्स उनको आठ ट्रेड मिलते हैं आफ्टर देयर रिक्रूटमेंट तो वो आठों टेस्ट जो भी ट्रेड आठों टेस्ट जो आठों ट्रेड मिल रहे हैं आपको वो सारे ट्रेड इस तरीके से हैं कि आपको इंडिविजुअल वर्क ही करना पड़ेगा वहां पर कोई ग्रुप वर्क वाला काम नहीं है यू आर वर्किंग इंडिविजुअली अंडर अ टेक्निकल ऑफिसर ही इज अगेन विंग कमांडर रैंकड ऑफिसर जिनके अंडर में आप काम करते हैं मगर काम इंडिविजुअल है अब यही अगर फौज या नेवी में देखें तो एक ग्रुप साथ में काम कर रहा है फौज में एक पूरी प्लाटून एक साथ लड़ रही है नेवी में एक शिप में हज़ार पंद्रह सौ लोग पंद्रह सौ लोग बारह सौ लोग जितनी भी कैपेसिटी है शिप की उसके अनुसार एक साथ लोग रह रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी लड़ने की तो वो सब एक साथ लड़ेंगे लेकिन एयर फोर्स जब लड़ाई में जाएगी या किसी भी ऑपरेशनल सिचुएशन में होगी तो उस समय आपकी जवाबदारियाँ बढ़ जाती हैं एज एयरमैन क्योंकि आपको इंडिविजुअल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आने वाला है प्लस जो कमीशनड ऑफिसर्स भी हैं जो पायलट्स हैं वो भी अकेले लड़ने जाते हैं तो इंडिविजुअल वर्क की जवाबदारी ज़्यादा हो गई यहाँ पर और इसी वजह से ये इकलौती ऐसे नॉन कमीशन एंट्री है फौज के अंदर जिसके लिए हमको एस या साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक पार्ट लेना पड़ता है प्योर कारण क्या है इसका कि आप के स्पीड ऑफ डिसीजंस को चेक किया जाए कि आप कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं और आपके डिसीजन लेते समय आप कितने रियलिस्टिक अप्रोच में रहते हैं वट इज अप्रोच ये हाइपोथेटिक अप्रोच के साथ आप डिसीजन लेते हैं या आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं जो हो सकता है उस सिचुएशन में ठीक तो यह एक बड़ी चीज है जिसकी वजह से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट वन को आपके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया गया रिस्पोंसेस देते समय कुछ चीजों में हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे कमीशन रैंक के लिए जब आप जाएंगे एस अगर उसके रिस्पोंसेस लिखने पड़ते हैं आपको वहां पर वहां आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं ऑप्शंस होते थे कमीशन रैंक के लिए इंडिया में एसएसबी में भी ऑप्शंस होते थे मगर वो 1969 तक होते थे 1969 के बाद सारे ऑप्शंस हटा दिए गए और आपको रिस्पॉन्स लिख के देने पड़ते हैं अब लेकिन जब आप एयरमैन की बात करते हैं क्योंकि यहाँ तो एप्टीट्यूड टेस्ट वन 2016 में शामिल ही किया गया है तो इसलिए यहाँ पर अभी लिखने की नौबत नहीं है यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं हर सिचुएशन के लिए चार ऑप्शन होते हैं कमीशन रैंक में सिचुएशन सिर्फ आपको दी गई है रिएक्शन आपको लिख करके देना है लेकिन एयरमैन एंट्री के लिए सिचुएशन के साथ साथ आपके रिस्पॉन्स भी दिए गए हैं चार रिस्पॉन्स दिए जाते हैं हर सिचुएशन के लिए और सारे के सारे ऑप्शंस कुछ हद तक सही होते हैं तो पहले तो एक ये गलतफहमी दिल से निकालिएगा कि कोई भी ऑप्शन गलत हो सकता है कोई ऑप्शन गलत नहीं दिया जाता है चारों ऑप्शंस कुछ हद तक सही होते हैं मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट मिडियोकर एंड लो लेवल इस तरीके से रखा जाता है सही और गलत के चक्कर में नहीं फंसना है इसमें पहली चीज तो यह ध्यान रखिए अब इसके ऊपर जो मार्किंग सिस्टम होती है आपके लिए कि अगर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है अगर आपने सबसे अच्छे रिस्पॉन्स को टिक किया है तो आपको एक नंबर मिलता है अगर यही आपने सेकेंड प्रियोरिटी को टिक किया है तो आपके पॉइंट टू फाइव नंबर कट करके आपको पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स मिलते हैं अगर आप उससे नीचे वाले रिस्पॉन्स को टेक करते हैं तो आपको पॉइंट फाइव ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं और अगर आप चौथे ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपको पॉइंट टू फाइव मार्क्स मिलते हैं मतलब नंबर सब में मिल रहे हैं सिर्फ़ ये फासला बीच का रह जाता है इस वजह से कई कैंडिडेट्स पीछे छूट जाते हैं दूसरी चीज़ आपको पैंतालीस सिचुएशन मिलने वाली है और तीस मिनट का बल्क टाइम है साइकोलॉजिकली क्या कहा जाता है कि एक हेल्दी माइंडसेट का यंगस्टर जो जल्दी डिसीजन लेने की काबिलियत रखता है वो एवरेज 30 मिनट में 45 सिचुएशन हैंडल कर सकता है इसीलिए आपको 30 मिनट के अंदर 45 सिचुएशन हैंडल करने के लिए दिया जाता है ठीक है यही जब कमीशन रैंक के लिए जाते हैं हम लोग तो वहाँ साठ हो जाती हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको साठ करनी है उनको भी पैंतालीस ही होती है बट वहाँ पर इफ़ेक्टिव और इनइेक्टिव की बात आ जाती है अगर कोई पैंतालीस कर रहा है तो वो इफ़ेक्टिवली करेगा अगर कोई साठ के पीछे जाएगा तो वो शायद इन इफेक्टिव हो सकता है सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट बट यहाँ पर आग, आपको अगर सिर्फ पैंतालीस दी गई है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि पैंतालीस पूरी करनी है आपको बीच में कोई सिचुएशन छोड़ करके या लास्ट में कुछ छूट जाए उससे काम चलेगा नहीं इट इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ योर स्पीड ऑफ डिसीजन ये आपके डिसीजन लेने की काबिलियत पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगा और एयर फोर्स जैसी एंट्री के अंदर या एयर फोर्स जैसी आर्म फोर्स के अंदर एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है हर सेकंड पर कुछ नया होने वाला है सो यू हैव टू थिंक क्विकली एज क्विकली एज पॉसिबल एंड रिस्पॉन्ड ऑल 45 फाइव क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि कितना कट ऑफ होगा या कितने सिचुएशन करने से हम पास हो जाएंगे करनी सारी पड़ेगी रादर यह भी देखा गया है कि अगर पैंतालीस नहीं कर पाते हैं आप तो वैसे ही आपके बाहर जाने के चांसेस क्लियर हो जाते हैं फिर जिन ने पैंतालीस पूरे किए हैं उसके अंदर देखा जाए कि भाई क्या रिस्पॉन्स उनके रहे हैं अब इस पूरी बात को समझने के लिए हम लोग चार या पांच सिचुएशन यहां पर सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को अब ये कुछ सिचुएशंस हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जिसको हम लोग हैंडल करके देखेंगे कि क्या ग्रेडिंग्स मिल सकती हैं हमको यहां पर सो द फर्स्ट सिचुएशन इज ही वाज कमिंग फ्रॉम देहरादून टू डेली इन द वैली हिज कार गॉट पंक्चर्ड ओपन द नट्स ऑफ द व्हील बट द नट्स फेल्ट इन टू अ डीप स्ट्रीम ही अब आपके पास इसके लिए चार ऑप्शन है ऑप्शन वन इज वेटेड फॉर अनदर व्हीकल लेफ्ट इज वेकल एंड टुक लेफ्ट टू गो टू डेली टुक वन बोल्ट फ्रॉम ईच रेस्ट ऑफ द व्हील्स टाइटन द नट्स एंड वेन टू डेली जंप्ड इन टू द स्ट्रीम एंड फाउंड द नट्स अब देखो इसमें ये चार ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं इसको रादर हम सबसे सही जवाब ढूंढने उससे बेहतर मैं समझूंगा कि पहले चारों के प्रेफरेंसेस समझ लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या किया जा सकता है पहला क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट ऑप्शन सी को टिक करता है तो शायद यह पहला एक उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लाई होगा जिसके लिए उसको पूरा एक नंबर मिलेगा कि उसने बाकी तीन पहियों से एक एक बोल्ट निकाल करके और अब तीनों पहियों में तीन तीन बोल्ट हैं और गाड़ी अगर स्लो चला करके वो पहुंच सकता है तो आराम से जा सकते हैं और वहां जाकर के ठीक करा लेगा वेयर एज रिस्पॉन्स टू क्या हो सकता है रिस्पॉन्स टू होगा शायद ऑप्शन ए कि वो दूसरी गाड़ी का इंतजार करता है या तो वहां रिपेयर करने की सुविधा मिल जाएगी आगे जाकर के किसी रिपेयरिस्ट को ढूंढ सकता है या फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है ऑप्शन uh, बी तीसरे नंबर पर मानते हैं लेफ्ट इज वेकल एंड टुक लिफ्ट टू दिल्ली, दिल्ली पहुंच करके वो किसी को इन्फॉर्म करके दोबारा आ सकता है ठीक कर सकता है अपना काम भी कर सकता है डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और चौथा जो हो सकता है वो था कि वो अब जंप करके या नीचे जाकर के स्ट्रीम में और जाकर के नटबोल ढूंढे ठीक है हालांकि ये ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं वहां पर वहां पर ऑप्शन कुछ इससे अलग होगा कि वेन डाउन इन टू द स्ट्रीम ही है स्ट्रीम बट ही वेंट डाउन इन टू द स्ट्रीम एंड सर्च द नट्स सो अगर वो ऑप्शन होता है तो वो शायद जो है वो तीसरे पर आ जाएगा और तीसरा वाला चौथे पे चला जाएगा मगर इस सिचुएशन में जो चौथा ऑप्शन है ये है स्ट्रीम एंड फाउंड द नायकल सा डिसीजन या जिसको कहेंगे हाइपोथेटिक डिसीजन है ये ठीक है तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ठीक सी को टिक करने वाले कैंडिडेट को एक पूरा नंबर मिलेगा ऑप्शन ए को टिक करने वाले को शायद पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स ऑप्शन बी को टेक करने वाले को पॉइंट फाइव जीरो और ऑप्शन डी को टेक करने वाले को पॉइंट टू फाइव मार्क्स मिलेंगे तो इस तरीके से आपकी ग्रेडिंग होगी यहां से आपको अब आगे के तीन चार रिस्पॉन्सेज के लिए तैयार रहना होगा जो अभी हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं नाउ योर क्वेश्चन टू इज ही हैड टू टुपीज फाइव लैक फ्रॉम डेली टू भोपाल एंड देर वॉज अ फीयर ऑफ डकैत ऑन द वे एट चंबल ही उसको पाँच लाख रुपये लेकर के जाना है दिल्ली से भोपाल लेकिन बीच में चंबल जैसा एक बीहड़ इलाका पड़ता है और जहाँ पर डकैत बहुत ज़्यादा होते हैं शायद उससे छीन लिया जाए क्या करता है ऐसी सिचुएशन में तो पहला ऑप्शन है डिड नॉट टेक कैश अगर ये कैश नहीं ले जा रहा है तो फिर भोपाल जाके क्या करेगा भाई हाइड द मनी अंडर द सीट सीट के नीचे उसने छुपा लिया पैसा तो ऐसा तो नहीं है कि डकैत उसको पकड़ लेंगे तो बाकी गाड़ी नहीं ढूंढेंगे वो हर पॉसिबिलिटी को देखेंगे शायद चांसेस ज्यादा रहेंगे गुम होने के डिपॉजिटेड द मनी इन बैंक अकाउंट एंड विद्रॉ इन भोपाल वो दिल्ली में जमा कर देता है बैंक में पैसा और भोपाल में जा कर के विड्रॉ करता है सेफ जर्नी खाली यहाँ जर्नी करेगा वहाँ जा कर के अपना काम कर सकता है गॉट डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक एंड कैडिडेट डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकता है लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में थोड़ा टाइम बैंक अकाउंट में जमा करने की अपेक्षा ज़्यादा लगता है तो वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और प्लस वहाँ जा कर के उसको फिर डिमांड ड्राफ्ट को तोड़वाना और वो सारी एक प्रोसेस थोड़ी उसने अपनी बढ़ा ली ये भी रास्ता सेफ है मगर प्रोसेस पहले वाले से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा हो गया अगर यहां भी देखें तो शायद आप ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे ऑप्शन सी प्रायोरिटी वन रखेंगे सेकेंड प्रेफरेंस पर ऑप्शन डी आ सकता है उसके बाद थर्ड जो है वो ऑप्शन बी हो सकता है फोर्थ जो कि नागे बराबरी है वो ऑप्शन ए हो सकता है सिमिलरली अब हम सिचुएशन थ्री की तरफ चलते हैं हिज फ्रेंड वॉज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन इन हिज साइड रो ही क्या करता है वो कंप्लेन टू द टीचर ऑप्शन बी शाउटेड ऑन हिज फ्रेंड ऑप्शन सी टोल्ड हिज फ्रेंड टू शो द आंसर ऑप्शन डी आफ्टर द एग्जाम कन्विंस्ड हिज फ्रेंड नॉट टू चीट शायद यहां पर ऑप्शन डी जो है वो आपको पूरा एक नंबर दिला सकता है तो ऑप्शन डी के साथ जाए सेकेंड ऑप्शन यह हो सकता है कि ऑप्शन बी शाउटेड ऑन फ्रेंड कि वो अपने दोस्त को मना करेगा जो आपको 0.75 मार्क्स दिला सकता है ऑप्शन ए कंप्लेन टू द टीचर्स ये थर्ड ऑप्शन हो गया और वो अपने दोस्त को खुद ही कहे कि जी मुझे भी आंसर दिखा दो ही आज फ्रेंड टू शो द आंसर्स ये शायद फोर्थ ऑप्शन रह जाएगा आपके लिए जो आपको पहले वाले की अपेक्षा पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स कम कर देगा आपके तो ये बड़ा फर्क पड़ जाएगा फिर फोर्थ सिचुएशन इज ही वॉज ट्रेवलिंग इन द बस एंड हिज नेबर सडनली फेल्ट एल ही ऑप्शन ए टोल्ड द कंडक्टर टू ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स एंड गेव मेडिसिन टू हिज नेबर मेड द बस स्टॉप ऑन देर वे एंड वेंट बैक टू हिज बोर्डिंग प्लेस टोल्ड द पैसेंजर्स अबाउट इट टोल्ड हिम टू लेफ्ट द बस अब इसमें ऑप्शन ए आपको पूरा एक नंबर दिलाएगा सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन ए देन इट कैन बी option c then it can be option d and last will be option b similarly fifth situation he was swimming in the village pond the buffaloes were also in the pond he suddenly felt cramp in his leg ab us, wo swim. तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है पहला स्वयं फास्टर स्टार्ट क्राइंग कॉट टेल ऑफ बफेलो टू हिम एंड केम टू द कोस्ट कॉट द हॉर्न ऑफ द नियरेस्ट बफेलो एंड केम टू द बैंक अब इसमें से ऑप्शन सी आपको पूरा एक नंबर दिलाने वाला है बाकी ऑप्शंस के साथ अगर जाएंगे तो आप अपने नंबरों के साथ छेड़छाड़ खुद करने वाले हैं तो अब इसके बाकी ऑप्शंस आप खुद तलाशिएगा लेकिन ये पांच सिचुएशंस मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए जरूर डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंसेस जरूर समझ में आए होंगे जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट वन में जाएं तो दो चार चीजों को ध्यान रखिए पहले अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखिएगा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दी जा रही है जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है सिचुएशन इस तरीके से डिजाइन की जाती है जिसे माना जा सकता है कि एक एवरेज यंगस्टर अपनी डे टू डे लाइफ में जिनसे निकल सकता है वो डे टू डे लाइफ के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनके लिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं और फिर भी हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं उसी तरीके की सिचुएशंस आपको यहाँ भी दी जाती हैं चार ऑप्शनस होते हैं तो दिमाग अगर शांत रखेंगे क्योंकि एज आई टोल्ड यू चारों में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता है चारों ऑप्शन कुछ हद तक सही हैं डिवाइड इस तरीके से रख डिजन रखा जाएगा कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट चुन पाते हैं या नहीं पूछ चुन पाते हैं और आपके स्पीड ऑफ डिसीज़न क्या है स्पीड ऑफ डिसीजन सही रखिए वो तभी होगी जब दिमाग शांत रखेंगे मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे उसके लिए रिमेन कॉन्फिडेंट 45 में से कोई छोड़ना नहीं है आपको ये अगर कहीं कोई कहता है कि स्किप करना अलाउड नहीं है वो सब दूसरी बातें हो गई क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो छोड़ दिया वैसे ही आपने तो आगे के लिए रास्ता वैसे ही आपके लिए बहुत सकरा रह जाएगा सो so, उम्मीद करता हूं कि बात आपको पूरी समझ में आई होगी आगे आने वाले वीडियोज में इन सब चीजों के बारे में और डिटेल से बात करेंगे विश यू वेरी गुड लक स्टे फिट स्टे हेल्दी